और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दूं, क्योंकि युद्ध का मैदान है वहां पर। रशिया की तरफ से कभी अटैक होता है, कभी यूक्रेन की तरफ से दावे किए जाते हैं, और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में अब तक 12,000 लोग निकाले गए हैं, कीव में अब एक भी भारतीय नहीं बचा है। एमईए की तरफ से ये बड़ी और अच्छी खबर है, कीव में अब एक भी भारतीय नहीं बचा है, ये एक सुकून देने वाली खबर है। यूक्रेन से अब तक 12,000 लोग निकाल दिए गए हैं, लगभग 18,000 के आसपास भारतीय वहां पर बताए जा रहे थे, 8,000 को किसी तरह उस युद्ध के क्षेत्र से निकाल दिया गया था, आसपास के शहरों में हैं, आसपास के देशों में हैं, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि यूक्रेन से 12,000 लोगों को निकाल दिया गया है। और कीव में जो सबसे ज्यादा इस वक्त खतरनाक है, जहां लगातार बमबारी हो रही है, वहां पर एक भी भारतीय छात्र नहीं है। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है, पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया के बच्चे हैं, पूरी दुनिया के अलग अलग बाशिंदे जो हैं वो रशिया में अलग अलग जगह पर, माफ कीजिएगा, यूक्रेन में अलग अलग जगह पर मौजूद है, और ऐसे में हिंदुस्तान की भी पैनी नजर है उन तमाम बच्चों पर जो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं। और अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रशिया का खर्च वो कैसे बचाएगा, इस युद्ध को वो खत्म कैसे करेगा, और उसके जो घर में युद्ध चल रहा है वो युद्ध इस बात को लेकर चल रहा है कि उन प्रतिबंधों से कैसे निपटा जाए जो पूरी दुनिया ने उस पर थोप दिए हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।